फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ीगनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है क्रिस्पी चिकन। क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चिकन, दही, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, नींबू, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, मैदा, कॉर्न फ्लावर, कॉर्न फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, अंडा, दूध, ओरेगानो और रिफाइन ऑयल। पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। अभी चिकन में नींबू डालना है। नींबू से अच्छे से मिक्स करना है। नींबू से मिक्स करने का एक दो मिनट बाद हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, आधा कप दही डालना है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसको ढक्कन से कवर करके कम से कम 3 से 4 घंटा फ्रिज में रखना है। अभी इस बर्तन में 1.5 कप कॉर्नफ्लावर, 1.5 कप मैदा, कॉर्नफ्लेक्स को मैंने चूरा बना लिया, 1.5 कप कॉर्नफ्लेक्स डालना है, थोड़ा सा नमक, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, 1.5 टीस्पून ओरिगानो मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसको मिक्स करके रखना है। अभी दूसरा बर्तन में 1 अंडा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और 1 कप दूध डालना है। अभी इसको अच्छे से फेंटना है। चिकन मैरिनेट करना हो गया है। पहले मैंने चिकन में काट लगा लिया। काट लगाने से नमक मसाला चिकन का अंदर तक जाएगा। अभी चिकन को मैदा का मिक्सर के साथ अच्छा से कोट करना है। फिर अंडा का जो घोल मैंने बनाई थी उसमें डिप करना है। फिर और एक बार मैदा का मिक्सर में कोट करना है। फिर इसको अच्छे से झाड़ के रखना है। तेल गर्म हो गया है। अभी हमें गैस का फ्लेम को लो से मीडियम रखना है। फिर इसमें चिकन डालना है। चिकन को गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। बस रेडी हो गया है क्रिस्पी चिकन। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।